बाद एक बार फिर से रहुआ सबका धमाकेदार स्वागत बा महुआ चैनल के बिरहा दंगल टू में। अरे लहरिया लूटा ये गोरी बिरहा दंगल महुआ के बहरिया, लहरिया लूटा ये गोरी बिरहा दंगल महुआ के जियो शेर क्या बात है। अच्छा भैया, सबसे पहले बिरहा दंगल महुआ चैनल से स्वर्ग से सुंदर सजाओल बाई मंच, सबसे पहले ये मंच से पहले गुरु गोविंद दो खाड़ काके लागू पाए, भगवान से भी बड़ दर्जा मानल है गुरु के, ओ गुरु के चरण में हमार फलग्गी प्रणाम बा झुक के। और दूसरा जज परशुराम गुरु जे अपने फरसा उठा के गणसा से भगवान राम के कलन की काट देव गर्दन के धनुष तोड़लस, ओह गुरु के प्रणाम है। तीसरा गुरु हुआ सुरंदर यादव बलिया भीष्म पितामह, ओ भीष्म पितामह इबारन जे महाभारत के लड़ाई में भगवान कृष्ण से हथियार उठवा देलन। चौथा गुरु बानन विजयलाल यादव जे कर्ण जैसे हस्ती को मार करके इन अर्जुन को उपाधि दे के प्रणाम करत बानी हम। और साथ साथ रानी आपको भी सबको प्रणाम है। तो मास्टर तनी सा चला था थी ये बागी घराना से कि बिरहा गावत हुआ लोग तो हलो उनके खाली पिल्ली पिल्ला गधा गधई के खाली कहानियां वाला मरदवा। अरे कम से कम कुछ कहानी ली आवाजा देखा सीता सांवरी, ये बिरहा से साबित हम करा देव कि तार धनुष यंग हो जाई, टूट जाई धनुष और शादी हो जाई। कैसे मास्टर? एक राजा के दरबार में सज्जनों नाचती नर्तकी एक हूर रही, अरे नाम था लक्ष्मी रानरम थी उमरी, गदराइल जवानी ले नूर रही। एक राजा के दरबार सजल बा जैसे इस स्वर्ग जैसा दरबार लोकत बा, ओ राजा के रहल त मास्टर गीत लगल है तनी सा बजा दा था। हे अरे भौजी जब ले आई न में हरिया हो तब ले कहर बना न कहरिया, भौजी जब ले आई न में हरिया लिखल है कि अरे जो बना बराव गुदा गुदी हो, जो बना बराव गुद गुदी हो लागे झूला में से कूदी। अरे एक रखा बक्सा में मुदी हो लागी आ जाइयो ई देखा। उ राजा साहब जब रहलन दरबार सजल उमा जानत हुआ हम नाम ना बताई बैठे कवि जी रहलन, उ कवि जी कैलन का मास्टर तनी आगे के गीत बजा दत। क्या बात है, ओ दरबार में नर्तकी पारी पर अपना पर नाच देखाओ बनी, सबसे अंत में लक्ष्य हीरा नाम का नर्तकी जब आई राजा, अरे सजा के सुरहो श्रृंगार
जब आयल तो कैलस का गौलस मातर की बलमा बेदरदी की बलमा बेदरदी हरे बलमा बेदरदी नाही चीना जवानी मोरे बलमा दे कवि स्वर्गीय चंद्रिका गुरु लिखना एक छे अरे कजरा के कीमत नजरिया से पूछो कजरा के कीमत नजरिया से पूछो अरे नजरिया से पूछो कि अरे जिसने कत्ल कर दी ना जवानी मोरी उ कवि जी बैठल हलन चश्मा उतार के देखे लगलन कि ए भाई अरे इतना सुंदर ही भाई एकदम मोहित हो गेलन तो गीत लगल मास्टर तेरी का भाव मिलल की अरे परवाना कोई पागल हो गया तो लागल तीरा इश्क का मचल गया दीवाना लागल तीर एकदम दीवाना हो गया कवि जी आ जब मोजरा उजरा बंद भयल ना तो कवि जी धीरे धीरे जैसे यहाँ गीत गौ नहीं बंद होला सब अपने अपने रूम पर जाला वही तरह रूम पर पहुंच गया कवि जी ओकरे नर्तकी की आ जब रूम पर पहुंच गए तो कहना की आय हाय हाय रे रानी लेवे के बा कहलन का कहलन आहा कि अरे तूने तो ऐसी की चोरी की अरे तूने तो ऐसी आ चोरी की मेरा दिल दीवाना लूट गया की कालस की कवि जी अरे महान हुआ दरबार का ऐसा काम मत करा कल नहीं हम तो फांसी लगाए के मर जब हमके काम करे के कुछ तो राके हो एक बार रानी जी कवि जी एकदम हठुआ गेलन कहना मर जा फसरी लगा के तोरे कोठरी में अरे भर लक्ष्य हीरा बोली सम्मान बुलाती जलने को कि मैं राजा नर्तकी हूँ कवि जी अरे राजा की सेवा करने को कि जूठा पानी क्यों पीते हो जूठा पानी क्यों पीते हो क्या बुद्धि खजाना लूट गया आगे तर्ज अच्छा लगे मास्टर कौन तर्ज है कभी जी जब के बात इतना जब नर्तकी कहले भैया जब वो कहलस कला सुना महान दरबार कर कभी जी हुआ ऐसा काम ना हुई तो एक छे तर्ज लगल बा अरे कोठा ऊपर कोठरी की हलवाइया क्या दुकान आहा चला दो छूट गयल हलवाइया मारे सान क्रियो लेला अरे क्रियो लेला राजा या वही नदान कि अरे सुन कबीर के बात नर्त की आ गई भोरे दरबार आ कबीर जी के बात सुन के अरे कहने लगी पुकार हमारा पीछे ओ हमारा पीछे भवारा भैले तैयार राजा साहब कहलन की कोनो बड़ी बात नहीं दरबार का कवि हुमन महान कवि हुमन काम कह दे जो रानी अब हो आगल लेकिन एक ठक्का हमार कह दी है कहला कवन कहला के काम कवि जी का कह दी है लेकिन एक ठेका कह दिए कि मोछ दाढ़ी बनवा दी है जो कह दी है आज बाबूजी जब यहाँ इधर कवि जी जान हुआ वादा किया कि आज नहीं कवि जी तब रहा था काल का
हर हनुमान चालीसा पढ़त हूँ कवि जी की, कब बेरिया भी सो जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तीनों लोक लोक कब होई उजागर। अब सोचत बना रे बाप रे बाप का होला बा। तब का भइल, जब दूसर की दी जब आ गई नर्तकी, जब आइल बा तब नर्तकी जब आ गई तब कवि जी कहलन के ओहो बहुत अच्छा आज तक काम होई न रानी। तब एक ठे गीत लगल या ए कवि जी मोछ जाढ़ी बनवा के चौचक फिट बाणन आ एकदम बन गयल। त सुना बतावत थे सीता कि जब की सटल पेट से पेट हल से मिलल गेट से गेट आ लेट भइल न तन को होवे मंथनवाना त गाड़ी चलत बबन के मेल खत्म भइल पूरा तेल त इंजन भइल बब वही फेल वही अगनवाना दोनों पीछे गरम मसाला मजा दोनों ओर दिखाला तो चर चर बोला पलंगरी टूट जाई ठाना वाहना। इतना बतिया जब हो गया तब तो बड़ा जोर लक्ष्य हीरा हंस के कहलस कवि जी के कि ओ हो का कहलस अरे पढ़ के इसका मैं भूल गई लागी या नवा रंडी बाजी में अरे पढ़ के इसका मैं भूल गई लागी या नवा रंडी बाजी में अच्छा उपट कईला कुल अपन ई मनवा रंडी बाजी में कह ई का भले राजा के कहले तू ऐसा काम करा दिली सुन ई काम ऐसे ना बनी। राजा साहब के घोड़ा बनाए के उनके पीठी पर चढ़ जो नहीं फांसी लगाए के मरब कहे ठीक है कवि जी तुहार बात थे हम मान लेते ही। तो का भेल हो पहुंचल बा वहां नर्तकी राजा के पास जब पहुंचल रानी ना तो मुंह फुलो ले बा कह तू तो बड़ी निक निक घोड़ा चढ़त हुआ घोड़ी तो कहे तब तोर का मन है कहे हम और चढ़ब कहे जो बरखा ले घोड़ा एक से एक बना कह नहीं घोड़ा तू बना अरे घोड़ा बना मन लागल हो राजा अरे घोड़ा बना मन लागल हो राजा आ जवनिया में जियारा पागल हो राजा राजा साहब के घोड़ा बना के एकदम बिल्कुल चढ़ गई एह देखले करत मचकच कहता है कि चल कल घुमा ही फेरा में तो ही फेरा घुमा देहलस अरे एह देखले करना चा चढ़ाई के आज जब कहला खूब खचक के न कहे और घुमा पीठी पर चढ़ गई बा एकदम। तब ले तब दरबार सवेरे सजल हो कवि जी लोग सब अपनी रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम सरंगी ले के कवि जी टेरस जात बना दम दरबार में चंडुल कपार मोच कुछ है नहीं खाए कहतो कि कवि जी के वातावरण कुछ बदल गल भाई राजा साहब पूछो थोन की आखिर बतावा तुहर मोच दाढ़ी कहाँ बनल कहना कि बन गल छोड़ा हटवा तुहारी भूजल आलू के नियर ठेना छिला गल बा ई कैसे तुहार हो गल राजा साहब कहना तुहे बतावे के पड़ी के मोच छिलायल कहा कह न मनबा कह ना ही बतावा थी का बतौले अरे बोले कबीवर वही जब मर मुड़ायल मुड़ावा आज हवा रत्ती है मेरा राजा हो दौड़ल बा घोड़ावा राजा साहब कहला कुछ हमारे समझ में आवत नहीं है तो कहला मर्द रहल घोड़ा राजा कहला आए आ रहली तिरिया सवार हो आ एक्का घाट पानी पियला शेर और सियार हो कहे वही जे हमारे कपड़ा पर फिरल बा छुरवा। अब कवि जी के बात सुन के राजा लज्जित हो गए कहले क्षमा मांगत थी कवि जी दरबार में बड़ा मान गए गुरु बिहारी गुरु गणत गुरु राम लाल मर पावन कवि चंद्रिका राम देव के लागे गीत सुहावन अरे परवाना कोई पागल हो गया तो छोटा बिजा लाल पर लगा भयल दीवाना परवाना कोई पागल छोटे लाल अपन गीत प्रस्तुत कैला रउआ सब मौज लेनी हमनियों के खूब मौज लेनी जा हमार जस साहब लोग मौज लेलन मौज हेत रहत रही। अब सीता सावरी की बुलाई
अब बोला कि दोनों कलाकार लोगन की अपना जज साहब के सामने पेश करी, एकरा पहले लेवे के कलाकार लोग भी मंच पे आ गेल बा। अब देरी ना करब, जज साहब के सामने ये लोग के पेश करता नहीं। सबसे पहले विद्रोही घराना के जज के कुर्सी पर विराजमान सुरेंद्र यादव जी से जानल चाहता नहीं कि दोनों कलाकार लोग का गाना रहुआ कैसा लगल। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह रे छोटे लाल वाह, देखत में छोटन लगे घाव करे बरियार, बहुत बढ़िया गाना गौला छोटे लाल प्रधान। हास रस के भाव रहल, श्रृंगार रस के भाव रहल, हर रस से आनंदित कर दिया आज हमनी के सबके। सीता सावरी भी बहुत बढ़िया बिरहा गौली, इनहू के कोनो जोड़ना ही बा। लेकिन बागी घराना की जज साहब से हम ही पूछल चाहत बनी कि अपनी गवैया के तनी सहूर सिखाव, ढंग सिखाव, ई गाना में भुला जातड़ी, लड़ाई के मैदान में चाहे बिरहा के मैदान में ई चीज ना होके के चाही, कमर खस के जे पहुंचे, दमदारी से लड़े, बहादुरी से लड़े। दोनों गवैया बहुत बढ़िया गवलन, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी घराने के सरदार से हम पूछल चाहत बानी, राउर का विचार बा? दोनों कलाकार बढ़िया गवलन, अदा के साथ गवलन, गावे में कोनो कमी ना रहल। एक बात हम जरूर विद्रोही घराना के जज साहब से कहब कि हमारी कलाकार के अंदर सहूर का कमी ना रहल, रह गई तनी सा बात भुलाए क, तो बहुत बढ़िया बढ़िया जो व्यवस्थापक होला वो अपना घरेलू कामों में भुला जाला, वो लड़की भुला गई, सुधार ले। बीच वाली कुर्सी पर जवन कुर्सी निष्पक्ष जज का कुर्सी लागल बा, एक कुर्सी पर विराजमान मानी मशहूर गीतकार लेखक प्यारेलाल कवि जी, रुआ गाना सुन ली है, ये दोनों लोग कैसन गाना गावल है बताई। हास्य रस के बिरहा में ये दोनों कलाकारन के बिरहा में एक एक पॉइंट बढ़िया मिलल है। सीता सावरी के बिरहा में ई पॉइंट मिलल है कि पांच ठग हुआ एक भयने ठग धलस, ई साबित कैलस है कि सुई केतनो महीन बने ले, लेकिन ओहू में डोरा पड़ जाला। छोटे लाल के बिरहा में ई मिलल है कि कवि जी के फसावल चाहना राजा, उनका लिहाड़ी लहल चाहना राजा, लेकिन कवि जी भी अपन दिमाग लगा दे, दिमाग के बदौलत शर्मिंदित ना अपने भैले, और वह पॉइंट राजा के भी दे दिल कि चला तू हमके कहबा तो हम तो के कह, तो ई साबित कैलें कि बुद्धि हमेशा बड़े होले दौलत में। ए लिए दोनों कलाकार बहुत अच्छा वृत्तांत गौल है, हमारे तरफ से दोनों कलाकार लोगों के आशीर्वाद। रुवा सब आनंद लेत बानी, रुवा सबसे हम दूर नहीं खी, दोनों कलाकार लोग के लेके रुवा सबके अदालत में आ रहा बानी, सामने स्क्रीन पर। अरे वाह, इतना आशीर्वाद समय देते रहे हमने, क्या आशीर्वाद लेते रह जा। लेकिन 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 समय काफी हो गया बा, अब ए एपिसोड के यही जमनी के रोकल जाई, विराम देहल जाई, आगे फिर मिले के तैयार बानी जा रहुआ, सबे कमर कसे तैयार रही, गोल लगता नहीं, प्रणाम, शुभ रात्रि, नमस्कार।